आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित पाकिस्तान के 4 पोत डुबो दिए थे। इस अभियान में सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेनाकर्मी मारे गए थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तान के कई नौसैनिक संसाधनों को नष्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। तब से नौसेना दिवस भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बन गया। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 7,500 किलोमीटर से अधिक तटरेखा की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्क उपस्थिति बनाए रखती है। साथ ही नौसेना मालाबार, मिलन और रिम ऑफ द पैसिफिक जैसे वैश्विक समुद्री अभियानों में भी भागीदारी करती है। नौसेना चक्रवात, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में मानवीय सहायता मुहैया कराती है। नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सराहना मिल रही है। भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने बीते वर्षों में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर खासा जोर दिया है। भारतीय नौसेना ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने, समुद्री निगरानी का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ साझेदारी की है। पिछले 5 वर्षों के दौरान नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू रक्षा इकोसिस्टम का त्वरित विकास भी संभव हुआ है। नौसेना दिवस के इस खास मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओपन शिप इवेंट्स, फ्लाई पास्ट और युद्धाभ्यास प्रदर्शनी जैसे आयोजन आम जनता को भारतीय नौसेना के शौर्य और तकनीकी क्षमता से परिचित कराते हैं।